भारत में लॉकडाउन के बाद अजमेर में राशन व अन्य दुकानें ग्राहकों से अत्यधिक दाम वसूल रही है। इसकी लगातार शिकायत मिलने के बाद रसद विभाग की टीम रोजाना अलग अलग बाजारों में दौरा कर व्यापारियों को चेतावनी देते नजर आ रही है और इस दौरान कार्यवाही भी की जा रही है। रसद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिन इलाकों में मुनाफाखोरी की शिकायतें मिल रही हैं, उन पर कार्यवाही करने के निर्देश मिले हैं। ऐसे में अगर कोई व्यापारी आपात स्थिति के दौरान लोगों से अधिक दाम वसूलता है तो उस पर ठोस कार्यवाही की जाएगी और इसीलिए रसद विभाग की टीम अलग अलग दुकानों पर जाकर चेतावनी दे रही है। जिला प्रशासन को इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है कि कई व्यापारियों द्वारा खरीद मूल्य से अधिक मात्रा बढ़ा करके और बिक्री की जा रही है। उसी क्रम में आज रसद विभाग की टीम ने यहाँ पड़ाव में थोक व्यापारियों के यहाँ जांच कर रहे हैं इस और इनको पाबंद किया है कि जो खरीद बिल है, खरीद बिल में अपना मिनिमम मार्जिन रख करके और उसके बाद ही बेचें, अनावश्यक कीमतें नहीं बढ़ाएँ और जो भी इनके पास आवश्यक वस्तुएं होगी उसका इनको स्टॉक और रेट दुकान के बाहर इनको डिस्प्ले करने के लिए इनको निर्देशित किया है। सभी अपने जो है रेट डिस्प्ले करेंगे और स्टॉक इसका आवश्यक रूप से स्टॉक संधारित करेंगे। बिल वो बिल जो भी जारी करेंगे उसमें उपभोक्ता का नाम लिखेंगे, उपभोक्ता का मोबाइल नंबर और पता अवश्य रूप से लिखा जाएगा। इसके लिए इनको पाबंद कर रहे हैं और आगे भी इनकी रूटीन में रेगुलर जाँच करेंगे। इस रेट से अगर ये कहीं भी होर्डिंग करते हैं या अधिक मूल्य चार्ज करेंगे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी पड़ाव में हमने लगभग 5 से 6 बड़े व्यापारी जो हैं होलसेल व्यापारी हैं उनके यहाँ हमने जांच की। अभी कुछ व्यापारी ऐसे जिन पर 3 दिन से लगातार जांच की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है लेकिन वो उससे बाहर नहीं। अब हिदायत अगर कोई भी व्यापारी जो है होर्डिंग करता हुआ पाया गया कि अनावश्यक रूप से स्टॉक रख रहा है और बहुत ज़्यादा भाव बढ़ा करके और बेच रहा है तो अब आगे उनके स्टॉक को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। इनको सख्त रूप से हिदायत कर दी गई है कि अनावश्यक रूप से रेटें नहीं बढ़ाएं, जो वाजिब रेट है जो अब तक चलती आई है उसी रेट पर ये बिक्री करेंगे। साथ साथ सब्जी अंडे वालों ने भी अपनी रेटें बढ़ा रखी है। हाँ, सब्जी अंडे के ऊपर मंडी प्रशासन है, मंडी प्रशासन नियमित रूप से ध्यान दे रहा है। इसके अलावा आलू प्याज की रेट है उसके ऊपर जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है रेट कम हुई है, बाकी हरी मिर्च और सब चीज़ें जो महंगी दे रहे हैं उसका उसके लिए मंडी प्रशासन से मिलकर उसका भी कोई रास्ता निकाला जाएगा कि वाजिब कीमत के ऊपर उपभोक्ताओं को सब्जियां उपलब्ध हो। इलाके में जो फुटकर व्यापारी हैं वो भी है ना ये रेट बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? फुटकर व्यापारियों से भी हमारी बात हो रही है। फुटकर व्यापारी ये कह रहे हैं कि हमें होलसेल में रेटें ज़्यादा मिल रही है, ज़्यादा मूल्य के अंदर खरीदना पड़ रहा है, इसलिए हमने आज ये चेक किया कि होलसेलर किस रेट में रिटेलर को उपलब्ध करा रहा है। तो इसके अंदर इनका देख रहे हैं जो मिनिमम मार्जिन जो अब तक ये लेते आए हैं इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि आज के 8 दिन पहले क्या स्थिति थी, उस समय क्या इनका खरीद रेट थी, किस रेट के ऊपर बिक्री की जा रही थी और अब 8 दिन के अंदर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि इनको जो है रेट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ गई, इस चीज़ की हम जांच कर रहे हैं। और रिटेलर भी अगर कोई अनावश्यक रूप से रेट बढ़ाएगा तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, राशन की जो सामग्री अभी तक वहाँ पहुँची नहीं है, राशन की भीड़ लगी रहती है? राशन सामग्री का मार्च महीने के अंदर करीब करीब सब जगह पहुंच चुके हैं। मार्च का तो पूरा गेहूं पहुंच चुका है, अब तो अप्रैल की सामग्री पहुंच रही है। सर, आप अभी पड़ाव खड़े हैं या सामने ही एक राशन डीलर है जो कह रहा था कि मेरे पास अभी तक माल आया नहीं, मार्च का सबके आ गया। अगर ऐसा कोई डीलर कोई कहता है गलत जानकारी, मार्च का पूरे जिले के अंदर सबके गेहूं पहुंच चुका है और अब तो बल्कि अप्रैल का भी 80% राशन दुकानों में पहुंच चुका है। अगर कोई ये कहता है कि मार्च का गेहूं नहीं आया उसके पास, तो उसकी हम जानकारी लेंगे, ऐसा कोई कौन दुकानदार है और उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।